प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ भाई, तो ये फाइनल हो गया, कोई भी अपनी बीबी को इस पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन होगा? बबीता जी? यारा लाल, बबीता नहीं हो सकती, माधवी भाभी। नहीं नहीं, ती कशाला इकडे येईल? मुझे लगता है हाथी भाई को ढूंढते ढूंढते कोमल भाभी आ गई होगी। हाँ, कोमल? कोमल क्यों, अंजलि भाभी भी हो सकती है। अंजलि? अंजलि नहीं नहीं, अंजलि यहाँ कैसे आएगी? अंजलि तो यहाँ आ ही नहीं सकती ना। ना तो रोशन भाभी। हाँ, जेठा भरा छह टिकट कर दो, मैं नहीं आ रहा। क्यों? रोशन चौहान की है यार। अरे दरवाजा खोलो। ओ तेरी, ओ ये तो अपनी पोपट भाभी है। मैंने कहा ना, अंजलि नहीं आ सकती इधर। इस बुड़बक ने तो जान निकाल दी। हम भी पोपट की जान निकालते हैं। मतलब उससे थोड़ा फड़फड़ाते हैं, उसकी टेर खींचते हैं। और करेक्ट है ही, हम उसको ऐसा कहेंगे कि उसकी टिकट ही बुक नहीं हुई। राइट, और कल सुबह उसे टिकट देके उसे सरप्राइज देते। करेक्ट है, बहुत बढ़िया प्लान है। चाचा सोटी, खोल 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 दरवाजा, खोल। वो पकड़ा बना के लाता हूँ। मजा आएगा अब। अरे सोड़ी, आज सोडा शॉप पे कोई नहीं है। अब्दुल ने बताया कि तुम सब लोग यहाँ पर हो, दरवाजा बंद करके यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, पार्टी में जाने की खास तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? दिस इज द पार्टी मिस्टर बुड़बक लाल। लाउला डांस? अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने भी अखबार में पढ़ा था। मैं आप लोगों को बोलने ही वाला था कि ये पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, हम लोग तो जा ही रहे हैं। हाँ भाई, कल बहुत मजा आएगा, कमाल हो जाएगा भाई कल तो। ओ पप्पू, ओ इतने सारे पड़े हैं, कोई भी स्टूल उठा ले। हाँ, एक मिनट, ये पकड़। हाँ, आराम से बैठ। हाँ, भाई पकड़ पकड़ पकड़। अरे मैं क्या कह रहा था दोस्तों, एक्चुअली है ना, एक मिनट। हाँ, भाई कल बहुत मजा आने वाला है। अरे दोस्तों, मैंने इस लाउला डांस के बारे में बहुत सुना है, बहुत जबरदस्त होता है ये डांस, बड़ा मजा आएगा। पोपटलाल, हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं, वो हम लोग में तुम शामिल नहीं हो। क्यों? अरे क्यों क्या, तुमने कब कहा कि तुम्हें भी जाना है उलाला डांस में? अरे मुझे कहाँ पता था कि आप लोग जाने वाले हो। लेकिन पोपटलाल, अगर पता होता भी ना तब भी तुम नहीं आते। क्यों? अरे 2500 रुपये टिकट है भाई। तो अब मोबाइल में 50-50 रुपये का रिचार्ज करवाते हो और 2500 बोला तो देखिए, अब मोबाइल मेरी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन ये कला की बात है और कला को बढ़ावा देना हमारा फर्ज है, और वो भी यूरोपियन कला। वाह, लगता है ये सच्ची कला का सच्चा कद्रदान है। सॉरी मिस्टर पोपटलाल, प्रोग्राम हाउसफुल हो चुका है, तो अब यूरोपियन कला को बढ़ावा आप फिर कभी देना। ये क्या बोल रहे हैं आप सब? पप्पू अला, देखिए आप लोग कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? काश ये मजाक होता पोपटलाल, लेकिन ये मजाक नहीं है पोपटलाल। हम सब लोगों के टिकट तो आ गए, हम अगली बार कभी जाएंगे तो तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है? अभी तो चले भाई, तैयारी बहुत करनी है कल की। हाँ चलो पप्पू, अला पार चलो।
अरे डांस है। आए आए। हाँ हाँ सब होगा, वो तो सब पहनना पड़ेगा। अच्छा मुझे छोड़ के जा रहे हो, कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूं। हेलो हेलो दया भाभी। हाँ वही पोपट भाई। आपको जेठालाल के कल के प्रोग्राम के बारे में कुछ पता है? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? मुझे पता ही था कि आपको नहीं पता होगा, वरना आप ऐसे प्रोग्राम के लिए कभी इजाजत नहीं देती। इजाजत? आप कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? अरे दया भाभी कल जेठालाल और जाओ मुझे अकेला छोड़कर पार्टी में। क्या बोल रहे थे? पोपटलाल कला को बढ़ावा फिर कभी देना। दोस्तों अब तुम सब पार्टी में फिर कभी जाना। उलाला 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 उलाला। अरे अंजलि। तारक कल रात को आप कुछ कर रहे हैं? कल रात को मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलो बहुत अच्छा हुआ, मेरी कजिन शिल्पा उसने कल रात को डिनर का प्रोग्राम रखा है। ओ, याद आया। नहीं नहीं कल रात को तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? कल रात का प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता है? मुझे मूवी के लिए जाना है, मतलब जाना है, दैट्स इट। बबीता कल मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी है आप? वो क्या है, कल मेरे को एक दोस्त के घर पर जाना है। मुझे उस पेशेंट का नाम बताओ जिसके घर तुम कल जाने वाले हो। कोमल तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं कोमल, तुम मेरा दिल तोड़ने की बात कर रही हो। सॉरी नहीं कहूंगी, भले ही तुम्हारा दिल टूट जाए पर मुझे जानना ही है कि तुम्हारा वो पेशेंट इंडियन है या यूरोपियन। इंडियन इंडियन है। इंडियन? अच्छा डांसर तो नहीं है ना? मतलब इसे पता चल गया? ओ पता चल गया, डांस नहीं वटत, एक शिक्षक होकर ऐसा डांस देखने जाओगे? माधवी। काय माधवी, एक शिक्षक होकर कब से झूठ बोल रहे हो? माधवी। अरे काय माधवी, एक शिक्षक होकर पत्नी से बेवफाई कर रहे हो? माधवी। अरे काय माधवी, काय माधवी, आज एक शिक्षक पत्नी की नजरों में फेल हो चुका है। अरे बस आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है तू चाहती है ना मुझे पनिशमेंट मिले, ले पनिशमेंट शुरू हो गई। पनिशमेंट क्या है वो मैं डिसाइड करूंगी। ओके सोनिया मुझे जो पनिशमेंट देना है तू दे दे, पर यार नाराज मत हो। नाराज नहीं, अभी नाच होगा, जाओ उन यूरोपियन लड़कियों का नाच देखने जाओ। ओके गल कर रही है सोनिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाओ जाओ यूरोपियन थीम डांस देखने, करो पार्टी शाटी। ओ सोनिया पर यूरोपियन पार्टी तो कल है। पार्टी तो कल है लेकिन तुम आज अभी इसी वक्त घर से बाहर जाओगे, समझे? ठीक है, तेरी खुशी इसी में है ना कि मैं घर से चला जाऊं, मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा। अरे मैं नाराज ना हूं तो क्या करूं, गरबा खेलूं? अरे भैया डाली ना चमके दरबा जिन्हें प्रेम ने वासरी ना सुर समी सांजनी हवानी जैम अंतर मा सोसर मा उतरी जता होए मन नो मोर लियो ढोल नो ढबुक तो धम धमाट सर्जन हार ढोली नो जारे आ दिल भांगे ने त्यारे दुकाल मा पड़ेला खेतर ना चोसला नी जैम दिल ना टुकड़े टुकड़ा थई जाए समझा वीर ढोलीड़ा। दया तू इतना कुछ बोली लेकिन अभी भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू
मुझसे नाराज क्यों है? अरे आपने क्या क्या ये बंद कर भाई तू सीधा सीधा बोलना भाई क्या बोलना चाह रही है? सुबह आपने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या सपने दिखाए थे? घर में हम तुम अकेले अकेले तो आओ ढोकला खेले खेले अकेले अकेले। मैं पति के प्रेम के पुजारी, आपकी खुशी के लिए ये अम्मोड़ा छोड़ के मस्त चोटला बांध के तैयार हुई, आपका पसंदीदा खाना बनाया और आप ये देसी सुंदरी को छोड़कर विदेशी बंदरी का डांस देखने जा रहे हो? किसने बताया मैं डांस देखने जा रहा हूँ? जिसने भी बताया हो, आप मुझे ये बताइए कि आप विदेशी वांदरी का डांस देखने जा रहे हो कि नहीं? तुझे बताया किसने दया? नहीं बताऊंगी दया, तुझे मेरी कसम, कसम वापस ले लीजिए टप्पू के पापा, क्योंकि मैं पोपट भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। मुझे पोपट भाई ने ये सब बताया। अच्छा, तो ये आग पोपट लाल ने लगाई है। मेरे साथ गद्दारी की गोकुलधाम के दोस्तों ने। आज तक हर त्योहार हर पार्टी हम साथ में मनाते आए हैं और आज पहली बार मुझे जुदा कर दिया। आखिर क्यों, क्या कमी है मुझ में? मैं कंजूस हूं? नहीं। मैं कुंवारा हूं? हाँ। मैं कुंवारा हूं इसलिए? क्या मैं कुंवारा हूं तो मुझे लावला डांस देखने का कोई अधिकार नहीं है? पापड़ लाल दगाबाज है, क्या किया तुमने? ए अय्यर थाम। इसे तो पनिशमेंट मैं दूंगा। हाथ पुड़े कर। रुक भिड़े, रुक एक मिनट। ये तुम्हारा काम नहीं है भिड़े, इसे तो सबक मैं सिखाऊंगा। ये तूने क्या किया पोपट लाल? मेहता साहब छोड़ दीजिए इसको। डॉक्टर हाथी आपको पता है कि इसने क्या किया? मुझे पता है, फिर भी आप छोड़ने का बोल रहे हैं? क्योंकि इस बिगड़ाल बुढ़बक के दिमाग का इलाज मैं करूंगा। नहीं हाथी भाई, नहीं 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 नहीं, ये मेरा शिकार है। अबू तनु ते मैं छोड़ूंगा नहीं। ले एक मिनट, सॉरी एक मिनट जेठालाल भाई, ये चीटिंग है। तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा शिकार हूँ। मैं इसका शिकार हूँ। ओए पप्पू, तू मेरा शिकार है। ओए पप्पू चमचे, तूने मेरी मैरिड लाइफ में आग लगा दी। अरे सोडी, सिर्फ तेरी मैरिड लाइफ में नहीं, हम सबकी मैरिड लाइफ में आग लगा दी। आज तक कभी मेरी ऐसी बैंड नहीं बजी जैसी कोमल ने मेरी आज बैंड बजाई है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी बीवी तेरा रोज बैंड बजाए। हाथी भाई क्या कर दिया आपने? पता नहीं हाथी भाई, देखो हाथी भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ श्राप दिया है। अरे लेकिन वो हिल डुल नहीं रहा है, देखो जरा। जिंदा है नाटक करता है। क्या मिला तुझे हमारी पत्नियों को बताकर, क्या मिला? क्या मेरे घर पे जाके देख, रोशन तूफान बनी हुई है। अच्छा मैं देख कर आता हूँ। क्या देख के आता हूँ? क्या मजाक समझ के रखा है तूने? देख के आता हूँ बोलता है। मालूम है क्या कि माँ भी मुझे बोल रही है कि कितने बेवफा हो गए हो तुम। समझ नहीं आ रहा शांति रखिए। अरे मेहता साहब, इतना सब कुछ हो गया और आप शांत रहने को बोल रहे हैं? बस एक मिनट, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।
चुगलखोर पोपटलाल, तुझे शर्म नहीं आई आग लगाते हुए? ये तूने ठीक नहीं किया। अच्छा, और आज सब लोग मुझे छोड़कर पार्टी में जा रहे थे, वो ठीक था? अरे पोपटलाल, एक बार मुझे पोपटलाल, आज पता चला तेरा सिर्फ शरीर छाते के तार जितना पतला नहीं, तेरा दिमाग उससे भी पतला है। सही बात है। अरे वयोवृद्ध मानसा, अरे चश्मा घत ले लेना, घुटे मारता है तुम्हें। अरे माजा हाथ वर्दी नहीं, याचा हाथ वर्दी मार। सॉरी, उसका आगे करो, आगे करो। अरे भयो वृद्ध मानसा, अरे हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, इतना भी समझ में नहीं आता? अरे पोपटलाल, टिकट के लिए हमने तुम्हें भी गिन लिया था और हम तुम्हें साथ ले जाने वाले थे। तो ऐसा हो सकता है पोपटलाल कि हम लोग सब जाए और तुम्हें साथ ना लेके जाए? मतलब आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे थे? तो मजाक कभी बोल के किया जाता है? सॉरी दोस्तों, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पछताने से कहा होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ओए पप्पू, और तेरी इस हरकत की वजह से मेरी रोशन रॉकेट बनकर मेरे पे अटैक कर रही है। ये सब ये जयनराल का गलती है। क्या मेरा गलती क्या यार भाई, मेरा गलती क्या? तुमने ही तो कहा था पोपटलाल के साथ मजाक करते हैं। अच्छा, ना ही हम लोग मजाक करते और ना ही हमारी पत्नी हमें डांटती। पता है, एक शिक्षक को एक स्टूडेंट की तरह डांट पड़ी है। अरे जब मैंने मजाक करने की बात की तब तो आप सब जैसे कव्वाली चल रही हो वैसे मेरे सुर में सुर मिला रहे थे। हाँ, पोपटलाल जी का मजाक करते हैं, पोपटलाल जी का मजाक करते हैं, और अभी मेरी गलती? बिल्कुल गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। देखिए, अभी हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें ये सोचना है कि हमें अपनी अपनी बीवियों को कैसे मनाना है। अरे मनाए कैसे, क्या मेहता साहब, इसको ही भेजते हैं हम अपनी अपनी बीवी के पास, यही जाके बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, इसको भेजना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। इसको भेजा तो हमारी बीवियों को एक मिनट में पता चल जाएगा कि हमने धमका के भेजा इसे। ओ करेक्ट है जी। ओ यारो, फिर अपनी अपनी बीवियों को मनाए कैसे? मैं क्या कहता हूँ, उन्हें भी साथ ले चलते हैं। हबो, अरे वहां पे क्या सत्यनारायण की कथा होने वाली है? अरे वहां पर क्या सामूहिक लग्नोत्सव है जो बीवी को लेके जाएंगे? तो फिर देख लो भाई। देख लो भाई, हमारी बैंड बजाने के बाद बोल रहा है देख लो। मैं तो कहता हूँ अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको हमारे साथ नहीं लेके जाएंगे। हाँ, यही तुम्हारी शिक्षा है? मतलब आप लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? नहीं। सोच लो। सोच लिया, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी ना कर ली। फाइनल? बिल्कुल। एक फोन, सिर्फ एक फोन करूंगा ना तो आप सब लोग हाथ पैर जोड़ते हुए मुझसे विनती करेंगे कि पोपटलाल जी आइए हमारे साथ चलिए। सिर्फ एक फोन। किसे किसे फोन करोगे? पुलिस को? हम क्या कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? क्या क्या इलीगल कर रहे हैं हम लोग? एक ट्रेडिशनल डांस देखने जा रहे हैं, उसमें क्या गलत क्या है? ट्रेडिशनल डांस देखना कोई अपराध है? करो पुलिस को फोन। हम कोई डरते हैं क्या? इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। नंबर है क्या तुम? नहीं, है मेरे पास नंबर चंपक चाचा का। मित्र, पोपटलाल ने हमारे होश उड़ा दिए। ये तो ठीक ऐसा ही है जैसे कोई मरीज बिना क्लोरोफॉर्म के अपने होश खो बैठे। भाई, हमने तो पोपटलाल के साथ एक फुलझड़ी जैसा मजाक किया था, लेकिन उसने इस मजाक की फुलझड़ी को बॉम्ब बना के हम ही पे फोड़ दिया। और अभी तो हमारा हमारी पत्नियों से सामना होना बाकी है, और चंपक चाचा को अगर इस लावला पार्टी के बारे में पता चल गया तो सोचिए कि हमारा हाल कितना भयानक होगा। भाई, आप लोग भी कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई बात अपनी पत्नियां परिवार से छुपाते होंगे, और अगर पकड़े जाए तो क्या हाल होता है।
हम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए किसी ने बहुत ठीक कहा है कि जिस तरह हम जीवन साथी 100 बार सोच समझ के चुनते हैं, ठीक वैसे ही किसी से मजाक भी बहुत सोच के की जानी चाहिए, वरना कंकर जैसी दिखने वाली मजाक पहाड़ जैसा रूप ले सकती है। अब देखना यह है कि हमारा हश्र क्या होगा, क्योंकि सामने है पोपटलाल, पत्नी और पिता, यानी कि चंपक चाचा, यानी कि हम लोगों के लिए टेंशन ही टेंशन, लेकिन आप लोगों के लिए फन, सिर्फ फन। कल का एपिसोड खास तौर पे दो लोगों के लिए, एक वो जिनकी शादी नहीं हुई है, एक वो जिनकी शादी हो गई है। क्या हंगामे होते हैं और हमारा कितना बुरा हाल होता है, देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।